हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमन। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी एंड क्रंची मूंग दाल के पकौड़े। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मूंग दाल को मैंने एक घंटे तक पानी में भिगो कर रख लिया था। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, नमक, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कद्दूकस किए हुए अदरक। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को दरदरा पीस लेंगे। इसे हमें बिना पानी का ही दरदरा पीस लेना है। देखिए, मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, जीरा, कद्दूकस किए हुए अदरक और ये सभी मसाले हम डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। हाथ में पानी लगाकर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर ऑयल में डालते जाएंगे इस तरह से। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, पकौड़े क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम सभी पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। मूंग दाल के पकौड़े बनकर रेडी है। इसे हम गर्मा गर्म चाय या चटनी के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।